नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। जहां देश भर में वसंत पंचमी की धूम देखने को मिलेगी, वहीं देश में 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न भी जोरों पर है। वहीं आप सभी को न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी सरस्वती को समर्पित वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए कला, संगीत और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों, विद्यार्थियों के लिए वसंत पंचमी का दिन विशेष होता है। वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त क्या है, आइए आपको बता देती हूँ। माघ शुक्ल पंचमी 25 जनवरी की दोपहर 12:34 से शुरू होकर 26 जनवरी की सुबह 10:28 तक रहेगा। वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बाद आइए आपको बताते हैं सरस्वती पूजा की विधि क्या है। पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए और फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब रोली, हल्दी, केसर, चंदन, पीले रंग या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर विद्या यंत्र, किताबों को अर्पित करें। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। ये थी शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि, और अब आपको वसंत पंचमी पर क्या कुछ दान करना चाहिए बता देती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। ऐसे में आज के दिन पढ़ाई से संबंधित चीजों का दान करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पढ़ाई से संबंधित या फिर पीले रंग की चीजों का दान दिल खोल कर करना शुभ माना गया है। पूजा की विधि और दान के बाद अब राशिफल की बात करते हैं। वसंत पंचमी के दिन आपके तारे क्या कुछ बोलते हैं, और शुरुआत मेष राशि के साथ करेंगे। पति पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन धैर्य से काम लेने पर वह सुलझ जाएगी। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उन्हें बाहर जाने देने से बचे। और राशिफल के बाद आपका लकी नंबर और कलर बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 4 है, लकी कलर आपका लाल है। और अब वृष राशि की बात करते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे और किसी बात की चिंता लगी रहेगी। घर की कोई पुरानी बात को लेकर कलेश हो सकता है, ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। राशिफल के बाद वृष राशि के जातकों का लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 8 है, लकी कलर आपका काला है। वृष के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। दोस्तों की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन आप उसे दिल में ही रखेंगे। कॉलेज के छात्रों को आज के दिन ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब चलिए मिथुन राशि के जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 5 है, लकी कलर आपका नीला है। और अब कर्क राशि की बात करते हैं। जॉब को लेकर टेंशन रहेगी और आप अपनी जॉब में कुछ नए विफल के बारे में सोचेंगे। मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे, तो वहीं परिवार में किसी का स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। अब चलिए कर्क राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 4 है, लकी कलर आपका भूरा है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उसके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। छात्रों को आज के दिन अपने सहपाठियों का साथ मिलेगा। और चलिए सिंह राशि के जातकों के लिए लकी नंबर और लकी कलर क्या है वो बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 9 है, लकी कलर आपका ग्रे है। और अब कन्या राशि की बात करते हैं। कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो आज आपको कहीं से अच्छे जॉब का ऑफर आ सकता है। ऐसे में सोच समझ कर ही कोई निर्णय ले, जल्दबाजी से बचें। चलिए कन्या राशि के जातकों का लकी नंबर और कलर क्या कुछ है जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 7 है, लकी कलर आपका पीला है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। दोपहर के समय सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। परिवार में किसी के साथ अनबन होगी, लेकिन जल्दी ही सुलझ भी जाएगी। चलिए तुला राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 3 है, लकी कलर आपका गुलाबी है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। किसी जीवन साथी की तलाश में है तो आज आपकी किसी से बात शुरू हो सकती है। ऐसे में उत्तेजित होने से बचे, व्यापार में लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का लकी नंबर 5 है, लकी कलर आपका पीला है। और अब बात धनु राशि की करते हैं। पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो आज उसमें थोड़ा घाटा तो होगा, लेकिन समझदारी से लिए गए निर्णयों से इसे लाभ में बदला जा सकता है। चलिए धनु राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 6 है, लकी कलर आपका संतरी है। लकी कलर और नंबर के बाद अब बात करेंगे मकर राशि की। घर में किसी बात को लेकर कलेश हो सकता है, ऐसे में बड़े बुजुर्गों की बातों
बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समस्या टल जाएगी, मन में किसी बात को लेकर शंका का माहौल रहेगा। चले मकर राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर और कलर क्या है जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 2 है, लकी कलर आपका श्वेत है। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा और कुछ नया करने का विचार मन में आएगा। सभी के साथ मेल जोल और बढ़ेगा तो वही दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है। चलिए कुंभ राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर आपको बता देती हूँ। आपका लकी नंबर 1 है, लकी कलर आपका नीला है। और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज उसमें सफलता मिलेगी। सीनियर से मार्गदर्शन मिलेगा तो अध्यापक भी आपसे खुश होंगे। चलिए मीन राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 9 है, लकी कलर आपका हरा है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।